ह्यूंडई की ओर से हम सभी लोगों को वेट है क्रेटा फेसलिफ्ट का। अभी नई वाली क्रेटा कब आएगी उसका आंसर हमें ह्यूंडई नहीं दे रही है, फिर वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी चीज़ हो, लेकिन स्टिल हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम मैनेज कर लेते हैं। इन शॉर्ट जो लोग हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से पता है कि पहले भी जो डिटेल में वीडियोज़ आया करते थे वो कैसे होते थे, तो बहुत भर भर के डिटेल हम आपके तक पहुंचाते थे उस वक्त भी। लेकिन ज़्यादा डिटेल देने पे लोगों ने ऐसा बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो गई है, तो इस वजह से हम जो है मतलब क्रॉस चेक किए बिना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अभी इसका तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन हमने एक काम किया, हमने वीडियो की लेंथ कम कर दी है और अब से आपको वीडियोस के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ओवरऑल जो भी फीचर्स नए आने वाले होंगे उसके बारे में बात कर लेंगे और लॉन्च डेट और प्राइसिंग के अंदर जो भी चेंजेस या फिर अपडेट्स वगैरह आए होंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। तो दो ही चीज़ों के बारे में बात होगी, पहले ऐसा था एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स लॉन्च डेट प्राइसिंग इंजन एंड गेयरबॉक्स ऑप्शन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते थे, लेकिन वो 8 मिनट के वीडियोज़ के अंदर किसी को दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था, तो हमने सोचा फिर लेंथ कम करनी ही पड़ेगी आपके लिए। तो ये चीज़ फाइनली हो चुकी है। खैर इस वीडियो के अंदर क्रेटा इनलाइन के बारे में बात करेंगे, लॉन्च डेट और प्राइसिंग के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद फीचर्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ओवरऑल जो भी चेंजेस के साथ में आने वाला है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को लॉन्च वगैरह के साथ में। तो फेब 2024 के अंदर लॉन्चिंग या फिर अनवीलिंग एक्सपेक्टेड है और वहीं पे प्राइसिंग की बात करें, पहले प्राइस नहीं थी अब आ चुकी है, 15 से लेके 19 लाख एक शोरूम जाएगी। तो ऑन रोड ऑलमोस्ट आप मान के चलो 24.5 लाख ऑन रोड जाएगी विदाउट एनी डाउट। तो ये चीज़ होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग। एक्सटीरियर की बात करें तो अभी एक्सटीरियर में आप क्या चाहते हो, एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, और आपको अगर पता है कि एक्सटीरियर कैसा आने वाला है तो फिर कमेंट डाउन करके मेन पॉइंट ज़रूर बताना, जैसे कि ये चीज़ के अंदर चेंज होगा या फिर ये चीज़ ऐसी आएगी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो एवरी वीडियोज़ के अंदर आपको ये चीज़ बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो कमेंट डाउन कर देना ताकि जिसको ना पता हो उसको पता चल जाए कि एक्सटीरियर क्रेटा इनलाइन का कैसा आने वाला है। खैर इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर के अंदर मेनली हाइलाइटेबल फीचर्स या फिर जो नए एडिशन के अंदर एड ऑन हुए होने वाले फीचर्स जो है उसकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत ज़्यादा भर भर के फीचर्स उनके अंदर डाला जाएगा, मतलब बहुत से फीचर्स डाले जाएंगे, ब्लू लिंक के कई सारे फीचर्स एड ऑन हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, सर आपको देखने को मिलने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर लेवल 2 का एडास आने वाला है, तो उससे रिलेटेड 15 से 18 फीचर्स आपको उसके एडास के पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, वॉइस असिस्टेंट के साथ में फास्ट वायरलेस चार्जर, डैशबोर्ड के ऊपर लेदर का इस्तेमाल हुआ देखने को मिलेगा, सेंटर आर्मरेस्ट कूलिंग फंक्शन के साथ में लेदर सीट्स, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स आपको कंट्रोलर के साथ में, रियर की सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट की दोनों सीटें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन के साथ में, दोनों ही सीटें आपको वेंटिलेटेड और हीटेड फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगी, स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन आपको एनलाइन वाला स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इतने मेनली हाइलाइटेबल फीचर्स है जो कि क्रेटा इनलाइन के साथ में आने वाला है, जो हमने आपको बता दिए और स्टार्टिंग में ही आपको लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो ओवरऑल इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है क्रेटा इनलाइन के बारे में, और आई होप आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो भी किसी और को जेन्युइन रिकमेंडेशन या फिर सजेशन दे पाए, और प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो और डिटेल में वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।